Hi guys, hello everyone and welcome back to Unacademy Topper channel. This is your favorite G-Square और आज हम करने वाले assertion reason में one of the most important chapter, neural control and coordination. इस chapter में हम करेंगे सारे assertion reason, 10 questions मैं कराऊंगी, 10 questions आपको homework में मिलेंगे. होमवर्क आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक लिंक दिया होगा चैप्टर वाइज, वहाँ पे क्वेश्चंस है, उन्हें जाके फटाफट से प्रैक्टिस करो क्योंकि इस बार हमें किसी तरह के क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं, चाहे वो असर्शन रीजन हो, स्टेटमेंट वाइज हो, डायरेक्ट क्वेश्चन हो, मैच द फॉलोइंग हो, हर तरीके से हमें प्रिपेयर होकर जाना है जिससे कि चाहे कैसा भी नीट का पैटर्न आए जी स्क्वायर आर्मी फोड़ के रहेगी. ठीक है, तो एक चीज़ और मैं बता दूँ, हमारे यहाँ पे पेड बैचेस होता है आइकॉनिक एंड प्लस सब्सक्रिप्शन पे, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं. इसके लिए आप कोड यूज़ कर सकते हैं जी स्क्वायर कोड और 10% ऑफ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना फॉर पर्सनल मेंटोरशिप. असर्शन रीजन सॉल्व करते वक्त मैं आपको बता दूं, अधिकतर बच्चों को ए और बी ऑप्शन में बेहद दिक्कत होती है, तो इसकी एक ट्रिक मैं हर क्लास में आपको बताती हूँ. ए के लिए आपको असर्शन के बाद बिकॉज या देयरफॉर लगाना है. अगर ये आपका सही बन जाए ऑप्शन, मतलब स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट आ जाए, तो ए आंसर आप लगाएंगे, वरना आप बी लगा के अपने फुल मार्क्स ले लेंगे. चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. सुबह 8 बजे न्यूरॉन्स रेगुलेट द एंडोक्राइन एक्टिविटी. जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एंडोक्राइन एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल सही बात है, बट नॉट वाइस वर्सा. ये चीज फॉल्स है, क्योंकि अगर न्यूरॉन्स को अगर हम देखें तो न्यूरॉन्स को हार्मोन्स भी रेगुलेट करते हैं, उन्हें हम न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं. क्या कहते हैं उन्हें? उन्हें हम न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं, जैसे एपिनेफ्रिन है ना बच्चा, जैसे डोपामिन. तो ये चीज गलत हो जाती है. एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट्स न्यूरल एक्टिविटी एंड न्यूरल एक्टिविटी रेगुलेट्स एंडोक्राइन. ये बिल्कुल सही है, बट ऑप्शन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनता हुआ. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन. जो ये हमारा एक्सॉन है, मान लीजिए ये हमारा एक्सॉन है, ये हमारा एक्सॉन है, ठीक है, ये अंदर हमारा एक्सोप्लाज्म है. इनसाइड द एक्सॉन कंटेन्स हाई पोटाशियम कॉन्सेंट्रेशन, बिल्कुल सही बात है. नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है. एक्सोप्लाज्म को ही इंट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं. क्या कहते हैं? इंट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं. ठीक है, नाउ सिलरी फ्लैजुलर एमीबॉइड मूवमेंट अकर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ये भी बिल्कुल सही बात है. सिलरी मूवमेंट आपको मिल जाएगी पैरामीशियम में, फ्लैजुलर मूवमेंट आपको यूग्लीना में मिल जाएगी, एमीबॉइड मूवमेंट आपको अमीबा में मिल जाएगी. दोनों ट्रू है, बट बी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर बनता हुआ. गलत आंसर दिया है, बी होगा आंसर. नेक्स्ट, जब अराइवल ऑफ एन इंपल्स एट द एक्सॉन टर्मिनल. हैं, अराइवल ऑफ द इंपल्स तो भाई डेंड्राइट्स पे होता है. ये देखिए, ये हमारा न्यूरॉन है, ये हमारा पहले वाला न्यूरॉन है, यहां से न्यूरोट्रांसमीटर निकला, तो अराइवल तो डेंड्राइट पे हो ना, एक्सॉन टर्मिनल लिख रहा है. फॉल्स है, फॉल्स है. ठीक है, दीज न्यूरोट्रांसमीटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग ऑफ आयन चैनल्स. ये बिल्कुल सही है, न्यूरोट्रांसमीटर से चैनल ओपन होता है, ये बात बिल्कुल सही है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होता है. बट पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, डी ऑप्शन वुड बी माई आंसर. न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स, ये तो हमको पता ही, उनकी प्रॉपर्टी है, कंडक्टिविटी भी प्रॉपर्टी है उनकी, है ना भाई, प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी है, चाहे पापा की हो या अपनी हो. द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन्स इन अ डी पोलराइज स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्साइटेबिलिटी. बिल्कुल सही बात है, वो डी पोलराइज स्टेट में रहते हैं. ठीक है, यस, इसलिए रिस्पॉन्सिबल द मेम्ब्रेन ऑफ, एक सेकेंड, द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन्स इन अ डी पोलराइज स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्साइटेबिलिटी. हाँ, डी पोलराइजेशन होता है तो आगे सिग्नल जा रहा है, बिल्कुल सही बात है, ए वुड बी माई आंसर. क्यों ये एक्साइटेबल सेल्स है? क्योंकि डी पोलराइज होते हैं, सिग्नल को आगे भेजते हैं. सही आंसर. द मेम्ब्रेन ऑफ अ न्यूरॉन इज पोलराइज एट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. जब वो रेस्टिंग स्टेट में होते हैं तो पोलराइज स्टेट में होते हैं, बिल्कुल सही बात है, शक मत करना इस पे. ठीक है, आयन चैनल्स ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन आर सेलेक्टिवली परमेबल टू डिफरेंट आयंस. ये भी बिल्कुल सही बात है. पोलराइज्ड क्यों है? व्हाई इट इज पोलराइज्ड? क्योंकि आयन चैनल्स सेलेक्टिवली परमेबल होते हैं डिफरेंट आयन के लिए. जैसे कि सोडियम के लिए ऑलमोस्ट इम्पोर्मेबल लिखती है एनसीईआरटी, जबकि पोटेशियम के लिए परमेबल लिखती है एनसीईआरटी. बिल्कुल, तो यहाँ पे अगर मैं बिकॉज लगाऊ तो मेरा आंसर ए बनता हुआ, सही ऑप्शन मेरे को दिया हुआ है ना, सही रीजन दिया हुआ है, सही आंसर है. सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ नहीं होगा. सेरिब्रल कॉर्टेक्स अपीयर वाइट
फॉल्स, ग्रे अपीयर करता है. सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज ग्रे मैटर, ठीक है. इट इज बिकॉज ऑफ द माइलिन शीथ कवरिंग ऑफ द ट्रैक. भाई देखो यार, ये वाइट है, ये तो बात सही है, बट पहले वाला फॉल्स है. डी ऑप्शन वुड बी माई आंसर. ह्यूमंस कैन सेंस चेंजेस इन द एनवायरमेंट. हम चेंजेस कर लेते हैं कि भाई मैं फ्रेंड जोन होने वाला हूँ, मैं ब्रदर जोन होने वाला हूँ, ये सब मैं सेंस कर लेता हूँ, ठीक है. सेंसरी ऑर्गन्स डिटेक्ट ऑल टाइप ऑफ चेंजेस इन द एनवायरमेंट. बिकॉज क्यों हम चेंज को सेंस कर पाते हैं? क्योंकि हमारे पास सेंस ऑर्गन्स है. ए आंसर. न्यूरोग्लियल सेल्स आर नोन एज अ पैकिंग सेल्स ऑफ द ब्रेन. ये क्या होते हैं हमारे बच्चों? पैकिंग सेल्स ऑफ द ब्रेन होते हैं. बिल्कुल सही बात, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है. अ टाइप ऑफ न्यूरोग्लियल सेल फॉर्म्स अ माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन. ये भी बिल्कुल सही है. ओलिगोडेंड्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट बनाते हैं माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन्स ऑफ सीएनएस. वहीं पे श्वान सेल बनाता है माइलिन शीथ अराउंड द पीएनएस, ठीक है, ये भी ट्रू है. बी मेरे को सही आंसर लिखता हुआ. क्यों ये, एक सेकंड कंफर्म कर लेते हैं. क्यों ये पैकिंग सेल्स है? क्योंकि ये माइलिन शीथ बनाते हैं अराउंड एक्सॉन. सही तो लग रहा है, ए सही लग रहा है. कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन का पता नहीं. अच्छा ठीक है, ठीक है. हाँ, ऑर्गन ऑफ जेकॉब्सन इज वेल डेवलप्ड इन स्नेक्स. बच्चे कहें मैम आउट ऑफ सिलेबस, मैम आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस. चलो आउट ऑफ सिलेबस कोई नहीं, मैं करा देती हूँ, आएगा नहीं नीट में, ठीक है. जेकॉब्सन वो है जो सेंस करने में हेल्प करता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे होता है. ऑर्गन ऑफ जेकॉब्सन इज वेल डेवलप्ड इन ह्यूमंस. हम में तो नहीं है. सी वुड बी द आंसर. गलत है आंसर, सी होगा. नेक्स्ट, द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर टू एज अ व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन. अभी मैंने बताया ना, ग्रे मैटर होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स. डी आंसर. देखो मैं दूसरा देख भी नहीं रही, सीधा डी दे रही हूँ क्योंकि मैं टाइम बचा रही हूँ. इसी के साथ सेशन समाप्त हो गया, पता भी नहीं चला, इतनी जल्दी जल्दी से प्यार प्यार से क्वेश्चन हो गए. होमवर्क करना मत भूलना, वरना जी स्वर सपनों में आएगी, ठीक है. सो डू नॉट फॉरगेट टू डू योर होमवर्क एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अर्ली मॉर्निंग 8 o'clock. एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. एंड यार कॉमेंट्स किया करो, मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाऊंगी, है ना. क्या दिक्कत है तुम्हें अगर मैं मोटिवेट हो जाऊंगी थोड़ा सा? तुम्हें क्या दिक्कत है, राइट. एंड डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल जहां पे आपको क्विजेस, डेली क्वेश्चन, प्रैक्टिस सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है. थैंक यू सो मच बच्चों.